हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। सी लैंग्वेज में क्या सीखने वाले हैं? मल्टीपल कंडीशंस लगाना। मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाएंगे और किस सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाएंगे? जैसे ये मैंने ओपन किया टर्बो आईडी, सॉरी कोड ब्लॉक्स। अगर आप टर्बो आईडी पर भी लगाना चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं। चलिए एक बार टर्बो आईडी ही ओपन कर लेता हूं, ठीक है। टर्बो आईडी पर ही आपको लगा करके ये दिखा देता हूं, क्योंकि सवाल यही होता है कि सर हम लोग टर्बो आईडी यूज करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत होती है, आप समझाते हैं कोड ब्लॉक्स के ऊपर, तो बाहर से डिमांड यही आती है कि आप टर्बो आईडी ना यूज करें। तो इसी वजह से मैं टर्बो आईडी नहीं यूज करता था। अब देखिए यहां पर मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूं और यहां पर मैं आपको कोडिंग करके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर हैश इंक्लूड stdio.h यानी हेडर फाइल मैं लिख लेता हूं। एक हेडर फाइल आप conio.h भी लिख सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, कोई एरर नहीं आने वाली है। यहां पे बना लीजिए मेन फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे मैं इंट मेन टाइप का फंक्शन बना रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इंट अगर लिखा तो रिटर्न करवाना होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लास्ट में आपको रिटर्न जीरो देना रहता है, नहीं तो आप सिर्फ मेन दे सकते हैं। इसके जगह इंट मेन ना दे करके केवल मेन दे दीजिए या वॉइड मेन दे दीजिए, ठीक है। वॉइड यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। मेन लिख दिया हमने, एंटर किया, नीचे आए। यहां पर दो वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, तो एक बना लिया एक्स, एक बना लिया वाई, तो दो वेरिएबल बन गई हमारे, टर्मिनेट कर दिया इसको, क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर लूप लगा लेते हैं। तो ये फॉर लूप लगाया हमने, पहले एक्स में इनिशियलाइज किया वन, ठीक है, फिर यहां लगाते हैं कॉमा, फिर y में इनिशियलाइज क्या करेंगे 5 या 10, जो भी इनिशियलाइज करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 5 ही इनिशियलाइज कर दिया, अब ये हो गया टर्मिनेट, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां वापस से आते हैं, दूसरी कंडीशन देते हैं, यहां पे कहेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कहेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर अलग अलग कंडीशंस में दे रहा हूं, ठीक है। तो कॉमा लगा करके ये भी मैंने दे दिया, अब इसको भी टर्मिनेट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक ही प्रोग्राम में इंक्रीमेंट और इसके साथ साथ डिक्रीमेंट दोनों ही करवाऊंगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी होगा। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, एक्स प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट हो गया, क्लियर। कॉमा लगाएंगे, अब यहां पर क्या लिखूंगा, वाई माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट भी हो गया, इंक्रीमेंट भी किया, डिक्रीमेंट भी किया। लूप की बॉडी को कर्ली ब्रैकेट से बना लेते हैं, एंटर करके नीचे आते हैं। यहां पर प्रिंटफ, क्योंकि अब हमें प्रिंट करवाने की जरूरत है, तो लिखा प्रिंटफ, डबल कोट्स में क्या देंगे, एक्स इज इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो परसेंट डी ही लिखना पड़ेगा हमें। और टैब लाइक स्पेस के लिए क्या करेंगे, बैक स्लैश टी लिख देंगे, टैब लाइक स्पेस देगा ये, करना बैक स्लैश टी लगा दिया। अब यहां पर लिखेंगे वाई, वाई ध्यान दीजिएगा वाई इज इक्वल टू परसेंट डी, दोनों ही चीजें दे देंगे। और फिर हम यहां लगाएंगे बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन क्यों, लाइन चेंज करने के लिए। फिर यहां कॉमा लगाएंगे, पहले कॉमा नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखनी है। फिर एक्स और वाई को प्रिंट करवा देंगे, इसको बंद करेंगे, यानी एक्स कॉमा वाई प्रिंट कराएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, कॉमा जरूर लगाइएगा। और यहां से टर्मिनेट कर दीजिए, टर्मिनेट कर दिया। अब यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है, और इस ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहां पर एक और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पर कोई गेट सीएच नहीं लगाया, तो जब हम इसको सेव करेंगे तो स्क्रीन हमारी पॉज नहीं होगी। देखिए मैं करके दिखाता हूं, डॉट सी ये हमने सेव कर दिया। अब इसको अगर हम कंपाइल करवाते हैं तो ये कंपाइल तो हो जाएगा, अब ये वार्निंग दे रहा है, रहता है, तो यहां पर लगा दिया वाइड, डब्ल्यू आई डी, तो वाइड लगा दिया। अब देखिए अब यही चीज जो है कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद क्या करेंगे, रन करवा देंगे, तो ये रन करवाया। अब यहां पे देखिए एक्स में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है 5 4 3 2 1, समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप की बात क्लियर हुई होगी। अगर इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर एंटर करता हूं और इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर चेंज करते हैं, जैसे ये है ना y में हमने 5 रखा है, देख सकते हैं, अगर हम 10 कर देते हैं, यहां पे देखिएगा y में हमने क्या किया, 10 कर दिया, ध्यान दीजिएगा y में हमने क्या किया, 10 कर दिया। और यहां पर क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर दिया, यहां पर भी 10 कर दिया, ठीक है। और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, बाकी सारी चीजें एकदम ठीक है, बाकी कहीं भी आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं। तो पहले तो इसको सेव करेंगे, F2 प्रेस करके मैं इसको सेव कर लेता हूं यहां से, लाइक यहां पे आके, और इसको सेव कर लेता हूं। और फिर
कंट्रोल F9 से इसको यहां से रन करवा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 2 3 4 5 आ रहा है, फिर 1 ये पुराना आउटपुट है, CLR SCR नहीं लिखा, क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा, जिसके चलते पुराना आउटपुट बना हुआ है। यहां से आप देखिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया, फिर देखिए यहां से 10 से डिक्रीमेंट होना शुरू हुआ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही एक ही प्रोग्राम में करवाया हमने। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।